हाय एवरीवन, माय सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं प्रतिभा छिपाए नहीं छिपती, क्योंकि प्रतिभा प्रत्येक शख्स के अंदर ही छुपी रहती है। प्रतिभा का धनी व्यक्ति कभी न कभी सभी की नज़रों में आ ही जाता है। इस बात को सिद्ध किया है देवास मध्य प्रदेश के रहने वाले आशाराम चौधरी ने। उन्होंने जोधपुर में एम्स का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पास करके अपने परिवार का सिर गर्व से ऊँचा उठा दिया है और पहले ही प्रयास में एम्स की मेडिकल परीक्षा पास करके जोधपुर एम्स में दाखिला लिया। तो आइए जानते हैं कचरा बीनने वाले के बेटे की सफलता की कहानी। समाज में जितने भी गरीब बच्चों ने कड़ी मेहनत के द्वारा अपनी पढ़ाई पूरी करके समाज और देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उन्होंने अपने जीवन की हर परेशानी को पार कर अपना एक अलग रास्ता बना ही लिया। जब आशाराम का एम्स में चयन हुआ तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि अब आप कचरा बीनने का काम ना करें, मैं आपके लिए सब्जी की दुकान खुलवा दूंगा। जब उन्होंने अपने पिता की परेशानी और उनके काम के साथ साथ सब्जी की दुकान खुलवाने की बात सभी के साथ साझा की तो पूरे परिवार के साथ सुनने वालों की आंखों में पानी आ गया। उनके परिवार के लिए वह इस जमाने के श्रवण कुमार ही हैं। आशाराम के पिता के मुताबिक एम्स की परीक्षा पास करने के बाद जोधपुर में एडमिशन लेने के लिए उनके पास पर्याप्त रुपए नहीं थे और वह लोगों से मदद की उम्मीद लगाए हुए थे। आशाराम की इस कामयाबी की बात जब प्रशासन को पता चली तो वह भी उनकी कामयाबी पर मुग्ध हो गए। उनके अनुसार जब यह बात कलेक्टर को पता चली तो उन्होंने खुद जोधपुर तक की ट्रेन की टिकट खरीद कर दी और साथ ही अपने एक अधिकारी को उनके साथ भेजा ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो और जोधपुर एम्स तक आसानी से पहुंच जाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी उनकी कामयाबी पर प्रसन्नता जताई और उन्हें बधाई दी। आशाराम का वर्ष 2018 में नीट में भी सिलेक्शन हो गया था। वह किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना यानी KVPY में रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर चुने जा चुके हैं। जर्मनी के सिल्वर जोन फाउंडेशन में 332वीं इंटरनेशनल रैंक के साथ उनका चयन हो चुका है। पौंडीचेरी के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव मेडिकल एंड रिसर्च की प्रवेश परीक्षा में भी उन्हें काफ़ी अच्छी रैंक प्राप्त हुई है। उनके पड़ोसियों ने आशाराम के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी झोपड़ी में बिजली की सुविधा नहीं होने पर भी दिन रात कड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई किया करते थे। आशाराम ने जिस तरीके से अपनी पढ़ाई के लिए मेहनत की है उसके लिए उन्हें इस बात पर गर्व महसूस होता है। वह इस बात पर भी गर्व महसूस करते हैं कि वह उनके गांव में ही नहीं बल्कि उनके पड़ोसी भी हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले के विजयगंज मंडी में रहने वाले आशाराम और उनका परिवार एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं जिसमें ना तो बिजली का कनेक्शन है और ना ही शौचालय की सुविधा है। उनके पिता कचरा बीनने का काम करते हैं जबकि माँ ममता बाई गृहिणी हैं। उनका छोटा भाई सीताराम नवोदय विद्यालय में कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रहा है और सबसे छोटी बहन नर्मदा अभी 9वीं कक्षा में पढ़ रही है। पूरे परिवार का भरण पोषण के लिए पिता की कमाई का एकमात्र स्रोत कचरे के बीनने से होने वाली आय है। आशाराम ने अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में बताया कि वह एक कुशल न्यूरोसर्जन बनना चाहते हैं। इसके लिए वह MBBS की पढ़ाई करने के बाद मास्टर ऑफ सर्जरी करने का विचार कर रहे हैं। आशाराम ने बताया कि वह MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद ना तो विदेश जाने की इच्छा रखते हैं और ना ही वहां रहने की इच्छा रखते हैं। वह अपना संपूर्ण जीवन अपने देश और गांव के लिए समर्पित करने की इच्छा रखते हैं। उनके कहने के मुताबिक वह देवास जिले के अपने गाँव विजयगंज मंडी वापस आने के बाद वहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल खोलने की कल्पना करते हैं जिससे वहाँ के कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित ना रह सके।
उनकी शुरू से ही पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी। पिता सुबह से ही कूड़ा बीनने निकल जाते थे और दिन भर में जितना कमा कर लाते थे उससे ही घर में सभी खाना खाते। फिर भी उनके पिता ने कोशिश करके उनका एडमिशन अपने ही गांव के एक सरकारी स्कूल में करा दिया। चौथी कक्षा तक आते आते उनका दाखिला दत्तोत्तर के मॉडल स्कूल में हो गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में कभी भी कमी नहीं आने दी। छठी कक्षा में जवाहर नवोदय विद्यालय चंद्रशेखर में उनका दाखिला हुआ। यहीं से दसवीं तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद पैसों की तंगी से दुखी होकर पढ़ाई छोड़ने का विचार आया, परंतु उनके पिता को कड़ा परिश्रम करते देख अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए आगे की पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने दक्षिणा फाउंडेशन पुणे की प्रवेश परीक्षा दी, जिसमें उनके अच्छे नंबर के साथ दाखिला हुआ। आगे की 11वीं एवं 12वीं की परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुए और साथ ही साथ मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा में भी लगे रहे। इसी साल मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम दिया और एम्स में वह चुने गए। आशाराम की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके लिखा कि मुझे पता चला कि आशाराम के पास पक्का मकान भी नहीं है और उनके पास शौचालय और बिजली की सुविधा तक नहीं है। हम उन्हें कई सरकारी योजनाओं के तहत यह सारी सुविधाएं देने वाले हैं। जहां चाह वहां राह की कहावत को आशाराम ने साबित करके दिखा दिया कि मेहनत और सफलता के लिए किसी भी सुविधाओं का होना या ना होना जरूरी नहीं होता है। कि आपको ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ इस स्टोरी से सीखा होगा और आगे आने वाले वीडियोस का अब भी बहुत ही एक्सट्रीमली वेट कर रहे होंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाली स्टोरीज नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको क्लिक करके उन सारी स्टोरीज को भी वॉच कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड शेयर दीज वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, और आप उन्हें भी बता सकते हैं और उन लोगों को भी इस लिंक को शेयर करके ये वीडियो देखने के लिए कह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।